यूरोपीय कंपनियों का भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी प्रवेश करते थे। प्रथम उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रसिद्ध एवं पारस्परिक स्थल मार्ग, द्वितीय समुद्री मार्ग द्वारा यूरोपियों का व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूरोपियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। स्थल मार्ग का बालकन देशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक हुआ अफगानिस्तान पहुंचे, तो फिर खैबर, कुल्लम, बोरल, अंततः गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। दूसरी ओर जल मार्ग भूमध्य सागर अथवा काला सागर ला फारसी की खाड़ी अरब सागर से होता हुआ भारत पहुंच जाता था। ये व्यापारी कंपनियां 14वीं शताब्दी तक निर्वाध चलते रहे, किंतु जो जो 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रचार बढ़ता गया, त्यों त्यों मार्ग असुनिश्चित होने लगे। 1453 में उस्तानिया तंतलत के कुछ सुनिया जीत लिया, धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोपियों ने एशिया के पूर्वी देशों से व्यापार करने के मार्ग पर उनका एकाधिकार हो गया और वे मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज की आवश्यकता हुई। यूरोपीय गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था, इस कारण नवीन जल मार्गों की खोज उनके लिए आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहाँ वे गर्म मसालों के प्राप्त कर थे। इस कारण भारत में व्यापार करने के लिए उनकी इच्छा प्रबल थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों से संसार में अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। इसी प्रयास ने कोलंबिया, स्पेन ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था, किंतु 1492 में अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार बार्थोलोमियो डीवास 1487 में आता आंतरिक, जिसमें उसकी तूफानी आंतरिक कहा पहुंच गया। उसके 10 वर्ष बाद 1497 में दूसरी पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर इस आशा के आंतरी जिसे कि उस माशा के अंतरिक्ष भी कहते हैं, को पार करता हुआ हुआ आगे पूर्व की ओर अब्दुल जीम नामक पुर्तगाली पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1458 भारत के पश्चिमी तट बंदर का कालीकट पहुंच गया। इस प्रकार भारत के अन्य के लिए नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खो जा गया। इसमें केप्स ऑफ गुड होप्स के नाम दिया गया। भारत में पुर्तगालियों के आने का क्रम पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आए धाव्याव की यद्यपि अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, तथापि अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। प्रथम पुर्तगाल जिसमें यूरोप के से भारत के लिए सीधे से समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था। वह सबसे पहले 1498 कल कड़ू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहाँ पर हिंदू शासक जेमेरियन ने उसकी पैतृक उपाधि से संपूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया, किंतु कालीकट्टी पर बसे हुए अरब व्यापारियों के प्रति वैमनस्य रवैया अपनाया गया। तब कि वास्को डी गामा के शासन में डान हेरिकन अन्य प्रिंस हेरी द नेगेटिव के प्रतिनिधित्व थे। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव
15वीं शताब्दी में एशिया भूमध्य एशिया पर व्यापार पर एकाधिकार विदेशियों ने व्यापारियों के हाथ में था। क्रमशः अरब इतालवी व्यापारी के हाथों में था। पुर्तगालियों ने किस शासन के ने शासन में मसालों के लिए व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा भारत में सीधे समुद्री मार्ग खोज की आज्ञा प्रदान की थी। डॉन हेरिकन इसे हेनरी द नेगेटिव की संज्ञा भी दी गई। संभवतः मध्य युग में किस अन्य घटना के का सब संसार का इतना प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा जितना कि भारत में समुद्री मार्ग खुले जाने। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? डार्डवेल का। मध्य काल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार का संबंध किस यूरोपीय कंपनियों व देशों ने बढ़ाए थे? पुर्तगाली ने 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरा था? मलक्का बंदरगाह का। किस भारतीय व्यापार ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? अब्दुल मजीद ने।